दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में यूं तो बहुत से लोगों का नाम निकलकर सामने आया था। बहुत से लोगों की सस्पिशियस एक्टिविटीज को जनता नोट डाउन भी कर रही थी, लेकिन 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 उनमें से एक नाम ऐसा भी है दोस्तों, जिसके बारे में न जाने क्यों लोगों ने बात करना बंद कर दिया है और लोग उस शख्स के बारे में भूलते जा रहे हैं, और वो नाम है इम्तियाज खत्री। जी हाँ दोस्तों, इम्तियाज खत्री के ढेरों वीडियो सुशांत के साथ वायरल हो रहे थे, जिसमें वो सुशांत को लिटरली धक्का मारकर कार में बैठा रहे थे। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड्स जो निकलकर सामने आए थे, उनमें भी इस शख्स का नाम पूरी तरह से मौजूद था। लेकिन आज की डेट में ये इम्तियाज खत्री नाम की बला कहाँ है, किसी को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और तो और, सीबीआई अगर सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस पर काम ही कर रही है, तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके चलते सीबीआई इम्तियाज खत्री से इंटरोगेशन करने के लिए रुकी हुई है। आपको यहाँ ये भी याद दिला दें दोस्तों कि सीबीआई ने जब श्रुति मोदी से पूछताछ की थी, तब भी इम्तियाज खत्री का नाम सामने आया था सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग देने में। इतना सब और इतनी सारी बातें बाहर आने के बाद भी इम्तियाज खत्री अभी भी रडार से बाहर क्यों है? इसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी प्राइवेट कर रखी है दोस्तों, ताकि इसकी पोस्ट किसी को भी ना दिखे। हमारी तो यही मांग है और आपकी भी यही मांग होनी चाहिए कि इस बंदे को, इम्तियाज खत्री को, बिना देर किए पकड़ा जाए और अच्छे से फुर्सत से इससे पूछताछ की जाए। वी आर डैम श्योर कि ये जरूर कुछ ना कुछ उगलेगा। तो ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि सुशांत केस में इम्तियाज खत्री का इन्वॉल्वमेंट है? कमेंट में जरूर बताएं। सुशांत के लिए अपना ये जोश बनाए रखें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।